हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात की वन मंथ क्लियर स्ट्रेटजी यूपीपीसीएस के लिए, यानी वो कौन सी स्पेसिफिक बुकें हैं जिनको अब आपको पढ़ना चाहिए या उनके द्वारा आपको रिवाइज करना चाहिए। अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो मच बेटर, नहीं तो मैंने आपको बताया पहले वाले वीडियो में कि आप इन बुकों की सहायता से रिवाइज कर सकते हैं विद इन वन मंथ। ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवाइज़ करें, इससे क्या है आपके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चंस यूपीपीसीएस में बहुत रिपीट होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं, और जो बुकें मैंने बताई हैं वो बहुत ही ऑथेंटिक बुकें हैं पीसीएस एग्ज़ाम के लिए, किसी भी पीसीएस लेवल एग्ज़ाम के लिए। तो पहले वीडियो में हमने बात की कि हमें कौन कौन सी बुकें स्पेसिफिक सेलेक्ट करनी है। अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे, और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं ये भी बता दूं कि ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपने कोर्स का, मैंने पहले भी रिपीट किया था, जिन्होंने अपने कोर्स का 70-80% ख़त्म कर दिया, अपना सिलेबस 70-80% ख़त्म कर दिया है। इट इज़ नॉट फॉर द बिगनर्स। मैं उनके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि आने वाले एग्ज़ाम यानी 2018 के एग्ज़ाम्स के लिए उनकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो अगर आपने अपने सिलेबस को ख़त्म कर दिया है या ख़त्म करने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, ज़रूर देखें स्टार्ट से एंड तक। मैंने यहाँ पे मैक्सिमम टाइम अलॉट किया है प्रत्येक सब्जेक्ट को रिवाइज़ करने का, और मुझे लगता है कि आपके लिए ये इनफ होगा। हाँ, वन मंथ से दो चार दिन ज़्यादा हो सकते हैं, एक्सेस हो सकते हैं, लेकिन आपकी सुविधा के अनुसार मैंने इसमें डेज अलॉट कर रखे हैं। तो चलिए बात करते हैं। पहला आपका हिस्ट्री। हिस्ट्री अगर हम बात करें तो 5 से 6 दिन काफ़ी है, यानी अगर हम आज की डेट से काउंट करें, शुरू करते हैं, तो आज है 16 अगस्त, और 16 अगस्त से हम 22 अगस्त के बीच, यानी 5 से 6 दिन जो है के बीच हम इसको कवर कर सकते हैं। इनफ टाइम है, आप कर सकते हैं, तो मेरे हिसाब से इतना दिन आपके लिए काफ़ी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आपका है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के हिसाब के लिए मेरे हिसाब से 4 से 5 दिन काफ़ी है, यानी अगर हम बात करें तो इस मंथ आपका 23 से 28 के बीच में ज्योग्राफी को आप समय दे सकते हैं, कवर कर सकते हैं, इनफ टाइम है 4 to 5 डेज। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं पॉलिटी। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत लोगों ने पढ़ रखा होगा, पॉलिटी इजी भी है, ऐसा नहीं है कि बहुत टफ है। ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करें कि पीछे जो प्रश्नोत्तरी दी होती है उसके माध्यम से अपने आप को जज करने की कोशिश करें, बहुत ही अच्छा तरीका है। या पहले भी मैंने बोला कि जो घटना चक्र के 16 साल के पेपर्स हैं, 16 ईयर्स के पेपर्स पब्लिश कर रहा है वो, उसे आप लेकर आएँ और उसको सॉल्व करके देखें। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे परफेक्शन उतना ही ज़्यादा आपके अंदर डेवलप होगा, और आप बहुत ही अच्छे से एग्ज़ाम हॉल में प्रश्नों को टैकल कर पाएंगे। अगर आप यहाँ गड़बड़ मतलब आपसे अगर यहाँ गलत हो रहा है तो वहाँ उन प्रश्नों को सही कर पाएंगे, टैकल कर पाएंगे बहुत अच्छे से। तो 2 से 3 दिन बहुत काफ़ी है मेरे हिसाब से, यानी 29-31 अगस्त अगर मैं बात करूँ तो आप पॉलिटी रिवाइज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इकोनॉमी। इकोनॉमी के लिए मैंने आपको बुकें बताई दी हैं, इसके लिए आप 2 या 3 दिन काफ़ी है आपके लिए, 2 से 3 दिन, यानी 1 से 3 सितंबर के बीच में आप इकोनॉमी को बहुत अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं परीक्षावाणी की बुक के द्वारा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं यूपी स्पेशल सेंसस। तो देखिए, यूपी स्पेशल के लिए परीक्षावाणी इनफ है, 2 से 3 दिन आपके लिए, अब 2 से 3 दिन के अंदर, ये उनके लिए है जो कमिटेड बिल्कुल कमिटमेंट के साथ पढ़ाई कर रहे हैं और जिनको सिलेक्शन लेना ही है, किसी भी कीमत पर लेना है, और जो अपने करियर को लेकर काफ़ी कॉन्शियस हैं, ये टाइम टेबल उनके लिए है। तो 2 या 3 दिन काफ़ी आपके लिए यूपी स्पेशल के लिए। घटनाचक्र की आर्थिकी जो आती है या सेंसर डाटा, आप एक दिन में ख़त्म कर सकते हो, उसमें ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। इंपॉर्टेंट डेटास आप मार्क करके पढ़ लें, या बहुत लोगों ने पहले से मार्क कर रखा होगा उसे आप रिवाइज़ कर लें। एग्रीकल्चर बहुत ही पतली सी बुक है, एक दिन काफ़ी है आपके लिए। तो अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपका कितना, मान लीजिए 3 दिन 1 4 1 5 दिन, 5 डेज आप इसमें ले लोगे, तो 4 से 9 सितंबर के बीच आप इन तीनों चीज़ों को ख़त्म कर सकते हो। हाँ, मगर अगर आप ये टाइम टेबल फॉलो करते हैं तब, और आपको स्ट्रिक्टली ये फॉलो करना होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आपका साइंस। साइंस आप 2 से 3 दिन में ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है, मैं मान के चलता हूँ 3 दिन। 3 दिन में आपका एक दिन आप भौतिक पढ़ सकते हैं, एक दिन रसायन, और तीसरे दिन आपका बायो, तो आपका एक एक दिन में सारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप 10 से 13 सितंबर के बीच में साइंस पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है आपका करंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सबको पढ़ने के बाद आपके पास जो समय बचेगा वो है करंट का,
इसे आप 4 to 5 days में कंप्लीट कर सकते हैं, 4 से 5 दिन आपको लग सकता है और 14 से 15। कैसे 4 से 5 दिन में कंप्लीट हो सकता है? क्योंकि आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ रखी होंगी, उनको रिवाइज करना है, तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और आप एक दिन में दो दो करंट की बुकें ख़त्म कर सकते हैं। ये उनके लिए नहीं है जो बिगनर्स हैं या जिन्होंने स्टार्टिंग की है, ये उनके लिए जो सिलेबस ख़त्म कर चुके हैं या सिलेबस ऑलमोस्ट नियर अबाउट ख़त्म करने वाले हैं। तो ये उनको ये चीज़ें उन लोगों के लिए हैं। और बहुत सारी चीज़ें आपने मार्क कर रखी होंगी, तो आपको ज़्यादा बस आपको एक सरसरी निगाह से देखना है और स्किप कर जाना है, वो चीज़ें आपको एग्जाम हॉल में ज़रूर याद आ जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। एनवायरनमेंट और इकोलॉजी, ये 1 से 2 दिन का वृक्षवाणी की बहुत ही समराइज बुक है, ज़्यादा मोटी नहीं है, तो आप इसे 1 से 2 दिन में, मैं मान के चलता हूँ कि आप 2 दिन में पढ़ सकते हो, तो 20-21 आप ये 2 दिन में कवर कर लोगे। ठीक है, 24 सितंबर को आपका एग्ज़ाम है, आप सबको पता है। ठीक है, 24 सितंबर को एग्ज़ाम है और आप 21 तक बिल्कुल सब्जेक्ट टॉपिक सारे सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट करके ओके हो जाओगे। और इसी के साथ साथ आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बिल्डअप होगा। इसके साथ मैंने बोला कि आप घटना चक्र के इन सब के साथ घटना चक्र के 16 ईयर्स के पेपर्स लगाना ना भूलें, क्योंकि आपके पास इनफ समय होगा, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे बहुत ही इनफ समय को, टाइम को यहाँ पे अलॉट कर रखा है। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, स्ट्रेटजी कैसी लगी, ज़रूर कमेंट करके बताएं। बाय बाय।